हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूँ क्रिप्टो इनसाइडर टीवी चैनल पे। दोस्तों पिछले 24 आवर्स से मार्केट जो है कंटिन्यूअसली फॉल बैक किया उस इंपॉर्टेंट लेवल की तरफ जिस लेवल की हम बात कर रहे थे। आज वर्स्ट केस पिछले कई दिनों से कई हफ्तों से अल्टीमेटली वो लेवल टेस्ट हो गया। इनफैक्ट उस लेवल के नीचे भी हमें जाता हुआ दिखा प्राइस एक्शन। तो इसके ऊपर बात करेंगे और आने वाले आवर्स में क्या हो सकता है, क्या ये बॉटम है या यहाँ पे जो बाकी के मार्केट्स में जो सपोर्ट है क्या कहता है, सपोर्ट क्या कहता है ये भी जान लेते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट हो जाता है। कई लोगों का थ्योरी है कि बिटकॉइन 3000 चला जाएगा, बिटकॉइन 10000 चला जाएगा, तो उस थ्योरी के ऊपर भी बात करेंगे शॉर्ट में। तो जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो, क्योंकि मैं डेली लाता हूं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो दोस्तों इससे पहले मैं आज टेक्निकल एनालिसिस शुरू करूं, हर उसकी तरह छोटा सा डिस्क्लेमर करना चाहूंगा। मैं संजय मिश्रा या मेरा चैनल क्रिप्टो सोसाइटी कभी भी आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली सामने से कॉन्टैक्ट नहीं करेगा। अगर कोई पर्सन मेरे नाम या मेरे चैनल के नाम से आपको कॉन्टैक्ट करता है, किसी प्रकार के लेनदेन की बात करता है, तो उस पर्सन को सीधा सीधा ब्लॉक कीजिए, इग्नोर कीजिए या फिर स्पैम रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि वो पर्सन आपके साथ ठगी कर सकता है। दोस्तों याद रखना, क्रिप्टो मार्केट में अपने आपको सेफ रखोगे तभी अर्निंग का मजा ले पाओगे। एंड गाइस इसके अलावा आप अगर मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हो, मेरे जितने भी ऑफिशियल सोशल हैंडल है उन सबको फॉलो करना चाहते हो, तो डिटेल जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ज्यादा डिटेल के लिए आप मेरी वेबसाइट cryptoinsider.com को विजिट कर सकते हो। दोस्तों याद रखना, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं और चैनल पर विदाउट एक्सपीरियंस या विदाउट लर्निंग मैं कभी भी आपको ट्रेडिंग करने की सलाह नहीं देता हूं। अगर आप इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग मेरी कही हुई बातों के बेसिस पर करना चाहते हो तो मेक श्योर करो कि फ्री 4 आवर का क्रैश कोर्स जो दिया वो जाके सीखो, उसे अप्लाई करो, चार्ट पे उसे समझो। अगर वो कर पाते हो तब मेरी कही हुई बातों के बेसिस पर आप इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग कर सकते हो। एंड जरूर जो है गाइस, जो रीसेंट फॉल बैक आया है, अगर आप स्ट्रैटेजी यूज कर रहे होंगे तो डेफिनेटली आपको वो स्ट्रैटेजी कहीं पे भी बाइंग नहीं बता रहा था। डेफिनेटली वो ये कंसोलिडेशन जरूर दिखा रहा था, लेकिन अल्टीमेटली मार्केट ने जब इतना वॉलेटाइल मूव लिया कल के दिन, तो वो भी आपको कहीं ना कहीं उस स्ट्रैटेजी के अंदर पकड़ में आया था। अगर आप लोग यूज कर रहे थे शॉर्ट आवर्स में तो आपको उससे बेनिफिट जरूर मिला होगा। अपना कमेंट जरूर मुझे शेयर कीजिएगा अगर आपको बेनिफिट मिला है पिछले 24 आवर्स के मूव के इस वॉलेटाइल मूव की वजह से। तो गाइज अब विदाउट डिले शुरू करता है टेक्निकल एनालिसिस। एंड सबसे पहले बात करेंगे बिटकॉइन की। बिटकॉइन जो है अभी इस वक्त जरूर बाउंस दिखा रहा है, लेकिन डेफिनेटली यहां पे जो हमें मूव देखने को मिला कल के दिन, जो कैंडल देखने को मिला उसकी बात करते हैं सबसे पहले। और ये काफी हैवी कैसे तो बियरिश कैंडल है, कंप्लीट बॉडी रेड है और हल्का सा वीक ऊपर की तरफ जरूर है, जो कि 34,224 हाईएस्ट था, वहीं लोएस्ट जो रीच किया $30,015 एंड क्लोजर बनाया था $30,082, यानी कि कंप्लीट बियरिश कैंडल। एंड यहाँ पे वॉल्यूम की बात करूंगा, डेली चार्ट पे वॉल्यूम काफी दिनों के बाद हमें देखने को मिला, ऐसा ही वॉल्यूम हमें देखने को मिला था किस दिन, लास्ट टाइम 4 दिसंबर 2021 को। उसके कंपैरिजन में हम थोड़ा सा लेस वॉल्यूम है, लेकिन प्राइस वाइज हम उससे काफी नीचे है। एंड डेफिनेटली जो है वहां पे हमें जो कैंडल क्लोजर मिला था 200 ईएमए लाइन के नीचे मिला था, यहाँ पे हम ऑलरेडी 200 ईएमए लाइन के नीचे काफी दिनों से चल रहे हैं, जब से 48,000 ब्रेक किए हैं। वहां पे भी मैंने आपको वार्न किया था कि दिस इज समथिंग जो कि नहीं टूटना चाहिए, अगर टूटता है तो ये वर्स्ट के सिनेरियो प्ले आउट हो सकता है, अभी फिलहाल वो प्ले आउट हो रहा है। एंड डेफिनेटली जो है यहाँ पे आज के दिन अगर मैं बात करूं, फिलहाल जो हमारा सपोर्ट जोन था उसको भी ब्रेक कर दिया, $29,731 तक चला गया। फिलहाल जरूर हम ऊपर बने हुए हैं, 31,445 वाज द हाईएस्ट जो अभी तक रीच किया, लेकिन फिलहाल $30,750 के आसपास हम ट्रेड कर रहे हैं। तो जो ये मूव आया इसके बाद जो स्ट्रक्चर में चेंजेस आए उसकी बात करूंगा सबसे पहले, एंड देन बात करूंगा कि शॉर्ट आवर्स में क्या हो सकता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बिटकॉइन के लॉन्ग्स के एंड शॉर्ट के। आपने सुना होगा बहुत सारे लॉन्ग पोजिशन जो है लिक्विडेट हो गए हैं पिछले 24 आवर में, 48 आवर में, पिछले 7 दिनों में, लेकिन बिटफिनेक्स का लॉन्ग पोजिशन बढ़ता जा रहा है। कल के दिन हाईएस्ट बढ़ा है, लगभग 8.5% का पीक दिखाया इसने और अभी भी ये कंटिन्यूसली पीक बना रहा है। तो और ये जो पीक बनाया है इसने ऑल टाइम हाई ब्रेक कर दिया, यानी कि जो लास्ट पीक हमने देखा था अराउंड लगभग जुलाई 2021 में, उससे भी पीछे छोड़ दिया। तो लॉन्ग का पोजीशन का मतलब कई लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा, तो मैं कहना चाहूंगा कि यहाँ पे बहुत लोग बेट करते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा वो लॉन्ग करते हैं, जो मार्केट बेट करते हैं कि शॉर्ट नीचे जाएगा वो शॉर्ट करते हैं। तो यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन ऑल टाइम हाई पे पहुंच गया एंड दिस इज द एक्सट्रीम लेवल, एंड यहाँ पे हमें ब्रेक मिलता हुआ दिख सकता है। तो हम एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, इससे एक आइडिया मिलेगा हमें कि क्या हो सकता है नियर बाय डेज में ऑन दिस चार्ट, क्योंकि ये लॉन्ग का पोजीशन बढ़ रहा है लेकिन प्राइस तो बिटकॉइन का नीचे जा रहा है, राइट। जुलाई में भी अगर आपने देखा होगा, जुलाई में भी प्राइस बिल्कुल ही नीचे था, राइट। एंड उसके बाद ये गिरना शुरू हुआ नवंबर तक, एंड नवंबर तक जो है हमें प्राइस देखने को मिला ऑल टाइम हाई बिटकॉइन का, राइट। तो अब हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, देखो वीक टू वीक मैंने कनेक्ट नहीं किया, मेजर बॉडी टू बॉडी कनेक्ट करने की कोशिश किया, उसके हिसाब से हो सकता है आने वाले कुछ आवर्स में या फिर कुछ डेज में या कुछ मिनटों में हम इस लेवल को रीच कर जाएं। लेकिन यहाँ पे जो है ये वीकली चार्ट है, वीकली चार्ट पे क्लोजर मैटर करता है, तो क्लोजर कहाँ पे मिलता है, वीक बना के रहता है, नहीं बनाता है, या फिर यहाँ से रिवर्सल शुरू हो जाता है नेक्स्ट वीक, वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन एक चीज जरूर है कि ये जो है फुल फॉर्म में है एंड कंप्लीटली बुलिश है, मैं कई दिनों से आपको बोल रहा हूँ इसका चार्ट बुलिश है, एंड इट मीन्स
कि हम फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग जोन में हैं। ऑन चेन एनालिसिस तो है ही, साथ में लॉन्ग का पोजीशन भी, और गिरेंगे जब हम इस लेवल से शॉर्ट की पोजीशन की तरफ जाएंगे, तो इस लेवल तक हम आएंगे आने वाले कई वीक के अंदर अंदर। बट फिलहाल ये जब तक बढ़ रहा है, यहाँ पे इसको सिर्फ अकेले नहीं देखना, बाकी चीजों को भी क्लब करना है। सिर्फ इस चार्ट की बात करूँ, जब तक ये बढ़ रहा है, कोई गारंटी नहीं होता कि बिटकॉइन का प्राइस नीचे ही जाएगा। बट दिस इज द इंटरेस्ट लेवल जो व्हेल्स शो कर रहे हैं। बिटफिनेक्स इज द एक्सचेंज ऑफ व्हेल्स, डू रिमेंबर दैट। एंड अभी वहां पे हाइएस्ट लॉन्ग बना हुआ है, आपने सुना होगा लिक्विडेट हुआ है, लेकिन इन लॉन्ग पोजिशन को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, इस चीज को याद रखना है। दूसरी बात, मैंने शॉर्ट पोजिशन के लिए कल के दिन आपको बताया था कि हम फिर से बढ़ने शुरू हुए हैं, लेकिन हम इस रेजिस्टेंस जोन के अंदर हैं, एंड मोस्ट प्रोबेबली इस जगह पे हमें रेजिस्टेंस मिलेगा। तो बहुत ही कम डिफरेंस है, चाहे इस चार्ट पे हो चाहे इस चार्ट पे हो, तो इट सीम्स कि इस जगह के आसपास हमें रेजिस्टेंस मिलेगा शॉर्ट के चार्ट पे, एंड वहीं लॉन्ग के चार्ट पे हमें इस जगह पे रेजिस्टेंस मिलेगा। तो इसका इंपैक्ट क्या होगा? इसका इंपैक्ट ये होगा कि यहां से जब ये गिरना शुरू होगा, तो हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी की जैसा हमें जुलाई के बाद प्राइस एक्शन में चेंजेस दिखे थे, वैसा कुछ बिटकॉइन के प्राइस में हो सकता है। देर इज नो गारंटी, बट यस देर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी, क्योंकि अभी तक आप फॉलो करोगे तो ये लगभग लगभग नवंबर 12 के बाद से कंटिन्यूसली सर्ज करता हुआ चला गया, और बिटकॉइन का प्राइस आपको नीचे जाता हुआ दिखा। तो पहला अपडेट तो ये था, स्ट्रक्चर में हम ऑल टाइम हाई लॉन्ग पोजिशन बना रहे हैं, दैट इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट। सेकेंड थिंग, इस चार्ट की बात मैं कई दिनों से कह रहा हूँ, 12 साल के सपोर्ट लाइन की बात मैं कई महीनों से कह रहा हूँ, एंड मैंने ये बताया हुआ कि वर्स्ट के सिनेरियो में हम इस लेवल को टेस्ट कर सकते हैं, वो टेस्ट कर लिया, इनफैक्ट हम ब्रेक कर चुके हैं। एंड मैं कल भी इसे रिवाइज करवाया था कि यार मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल ये लेवल होगा, एंड डेफिनेटली हम पिछला वीक ही इस लेवल को क्लोज कर चुके थे, एंड डेफिनेटली मैं वीकली चार्ट से वन डे के चार्ट पे आऊंगा तो आपको ज्यादा क्लियरिटी मिलेगी। एंड उसके बाद जो है कंटिन्यूसली जो हमने डाउनफॉल कल दिखाया, इस लेवल के आसपास हमें कोई सपोर्ट मिलता हुआ नहीं दिख रहा है, राइट? बट ऐसा हिस्टोरिकली कब कब हुआ है वीकली चार्ट पे, ज्यादा इजिली हम इसे मॉनिटर कर पाएंगे, तो लेट्स सी। मैंने आपको कल भी बताया था कि ऐसा जब भी हुआ वो बिटकॉइन का बॉटम जोन रहा है, एंड दैट इज द मैक्स पेन, कि वो मैक्सिमम जो है 7 से लेकर 15-16 हफ्ते ऐसा ट्रेड किया हुआ है, जैसे कोविड डंप में हमने देखा था बिटकॉइन को इस जगह पे इस तरीके से सेफ बनाता हुआ। विक्स कहां तक जा सकते हैं इसका, एज पर दिस चार्ट हम एनालिसिस नहीं कर सकते, बात करूंगा मैं डिफरेंट जोन की, बट अभी के लिए बस आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे हम जब भी इसके नीचे गए हैं, वीकली क्लोजर लिए हैं, उसके बाद हम विद इन द कुछ ही वीक के अंदर हम वापस से इस लाइन के ऊपर आ गए, व्हाइट लाइन के ऊपर। तो व्हाइट लाइन डेली हर वीक जो है बढ़ता चला जाएगा डेफिनेटली, उसकी बात मैंने कल की वीडियो में डिटेल में कही थी। एंड वापस से 2015 में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला था, एंड कुछ वैसा ही सिनेरियो हमने अभी बनाया हुआ है। फिलहाल हमारा वीकली कैंडल जरूर इसके नीचे है, लेकिन विक कहाँ पे जाके लगता है, कहाँ पे क्लोजर मिलता है वो जरूरी है, लेकिन 2015 में फर्दर ये नीचे गया था, डू रिमेंबर दैट। इनफैक्ट $198 तक नीचे गिर गया था बिटकॉइन, एंड देन वापस से रिट्रेस हो गया था अगले हफ्ते लगभग $250 के राउंड में। तो यहाँ पे काफी लंबा हफ्ता कह सकते हो कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 15 वीक अराउंड हम इसके नीचे रहे थे, इनफैक्ट 10 बार्स यानी कि 10 वीक हम इसके नीचे रहे थे, एंड 10 वीक के बाद हम इसके ऊपर आ गए थे। इसके बीच में कई बार वीक्स आपको देखने को मिले, बट यहाँ पे प्राइस एक्शन ठहरता नहीं है वीकली चार्ट पे, अल्टीमेटली ऊपर क्लोज होता है, एंड ऐसा ही कुछ हमने अगस्त 2016 में भी देखा था। एंड हिस्टोरिकली आप जब जब देखोगे यहाँ पे प्राइस टच किया है, वो हमें कहीं ना कहीं वापस से पुश कर दिया ऊपर की तरफ, थोड़ा कभी लेट कभी जल्दी, लेकिन अल्टीमेटली यही हुआ है। तो यहाँ पे एक चीज जरूर मैं कहना चाहूंगा कि देखो, व्हाइट लाइन और ये ब्लू जोन का वॉच के सिनेरियो मैं काफी दिन से, जब यहाँ से प्राइस गिर रहा था उस वक्त भी मैं आपको रिकॉल करा रहा था, जब यहाँ से गिर रहा था तभी मैं कह रहा था, लेकिन एक चीज समझना, ये जो चार्ट है, ये चार्ट इनफैक्ट मैं दूसरे चार्ट पे भी मूव करूंगा लोगरिथमिक चार्ट पे, इस वाले चार्ट पे आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे वर्ष के सिनेरियो कैसे डेली चार्ट पे कैसे दिखा रहा है, चार्ट सिमिलर वे में अभी बिहेव कर रहा है। डेफिनेटली आज क्या होगा प्राइस एक्शन उसकी बात मैं करूंगा, मैंने आपको कल भी बात की थी कि मैक्स पेन यहाँ पे आ सकता है अगले कुछ दिन, हो सकता है ऐसा कुछ, क्योंकि हम इस जगह पे घूम रहे हैं, एंड इट डजेंट मीन कि हम यहाँ तक ही होल्ड करें, ऑल दो दिस लेवल सजेस्ट कि 33,745, तो ये जो लेवल होगा हमें रेजिस्टेंस देगा अब, एंड यही लेवल जो है हमें फिलहाल सपोर्ट नहीं दिया, लेकिन ये लेवल बहुत ही क्रिटिकल है, यानी कि इस लेवल के नीचे जब जब प्राइस गया तुरंत, आप समझो कि ये एक अपर लेवल का मैग्नेट है और ये नीचे लेवल का मैग्नेट है, अपर लेवल पे प्राइस जाने पे नीचे लेवल का मैग्नेट उसे नीचे की तरफ खींचता है, जितना ड्यूरेशन हम स्पेंड करते हैं वैसा ही सेफ बनता है। फॉर एग्जांपल अभी जो है साइडवेज एक्शन बना हुआ पिछले 1.5 साल से, अगर वीकली चार्ट पे आप ध्यान से चीजों को देखते हो तो डेफिनेटली जो है वैसा ही कुछ, जब हम प्राइस इसके नीचे चले जाते हैं तो मैग्नेट की तरफ बिहेव करता है एंड हमें पुश करता है ऊपर की तरफ पुश करता है। लास्ट टाइम ऐसा जब कुछ हुआ था तो ना हमें ऑरेंज लाइन सपोर्ट दिया था ना हमें ग्रीन लाइन सपोर्ट दिया था, कोविड डंप की बात कर रहा हूँ, एंड उससे पहले अगर ऐसा कोई इंसिडेंट देखो तो व्हाइट लाइन के आसपास ज्यादा देर टिका नहीं है, ऊपर ही चला गया था।
कोविड डंप इज द एक्सेप्शन केस, उसके अगेंस्ट जो है अभी पहली बार हम कह सकते हो कि प्रॉपरली जो है कैंडल हमारा वीकली चार्ट का नीचे है, लेकिन अभी क्लोजर नहीं मिला। डू रिमेंबर क्लोजर इज समथिंग जो हमें मैटर करता है, एंड संडे तक क्लोजर हमें मिलेगा वीकली चार्ट पे। ऐसे क्लोजर हमें मिला हुआ है नीचे की तरफ, लेकिन वो ग्रीन कैंडल्स हुआ करते थे, यानी साइडवे सेक्शन के आसपास, जब बिटकॉइन $5 के आसपास था। तो दैट इज समथिंग जो आपको ये सारी चीजें नोट करनी है। यहाँ पे भी $200-$250 के आसपास स्ट्रगल किया था व्हाइट लाइन के आसपास। सिर्फ एक्सेप्शन इज ओनली द कोविड डंप, एंड करेंट इकोनॉमिकल सिचुएशन इज ऑल्सो नॉट वेरी वेल। वार सिचुएशन है, बहुत कुछ हो रहा है, बट यहाँ पे सपोर्ट वाइज कोविड के टाइम में नहीं मिला था, लेकिन यहाँ पे एक ग्रीन लाइन का जरूर याद रखना, ग्रीन लाइन का जो लेवल है $27,959, क्या यहाँ जाएगा? आई एम नॉट बेटिंग ऑन इट, नाइदर मैं वहाँ पे कोई बाइंग प्रेशर लगा के रखा हूँ। मेरा जितने भी बाइंग थे वो सारे एग्जीक्यूट हो चुके हैं। नाउ आई हैव वेरी लेस अमाउंट ऑफ यूएसडीटी एंड माई अकाउंट, एंड जो भी मेरा लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो है वो उसमें और इंक्रीमेंट बिटकॉइन का हुआ है। जो भी मैंने परचेजिंग किया मात्र और मात्र बिटकॉइन किया है, जो मैं हमेशा ही सजेस्ट करता हूँ, मैंने आपको टेलीग्राम पे भी बताया होगा। तो डेफिनेटली जो है मेरे डिफरेंट लेवल जो थे 30,200 के आसपास मेरा लास्ट बेट था, एंड वो ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो चुका है। तो आई एम स्टिल कन्विंस कि यहाँ से हमें जल्द ही आपको ऊपर देखने को मिलेगा प्राइस एक्शन, बट टेक्निकली हम बहुत ही ज्यादा बियरिश है। तो ये लेवल को भी याद रखना माइंड में, एंड मैंने आपको कल के दिन भी कहा था कि ये लेवल समहाउ ये जो डेट्स हैं ये कैलकुलेटेड किसी और वजह से हुए थे ड्यूरिंग दैट दिसंबर 2020 को, लेकिन अभी रिसेंटली जितने बार भी इस डेट के आसपास हम पहुंचे हमें मार्केट में रिवर्सल देखने को मिला, जो भी सिचुएशन रहा मार्केट का। तो रिवर्सल यहाँ पे हम डाउन ट्रेंड में है, रिवर्सल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, एंड दैट इज अराउंड 16th May। बट एनीवे दिस इज नॉट समथिंग जो टेक्निकल है, दिस इज समथिंग जो ड्यूरेशन एस्पेक्ट जो था कैलकुलेशन था किसी एग्जिस्टिंग जो साइकिल है उसके बेस पे। बट यहाँ पे मैं कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा ये व्हाइट लाइन। जितने बार भी आप नीचे जाता हुआ देखते हो वो बहुत ही इजिली और बहुत ही तेजी से बिटकॉइन को ऊपर लेके आ जाएगा आने वाले कमिंग वीक में। तो एक तो बात ये हो गई। एक चीज और बताना चाहूंगा, यहाँ पे मल्टीपल ETF जो थे 2017 में फ्यूचर के ETF जो थे लॉन्च हो रहे थे 2017 दिसंबर के आसपास, एंड इनफैक्ट मार्केट उस टाइम में टॉप पे था, एंड वहाँ पे बहुत ही आसान था ETF पे कि आप जो था फ्यूचर के चार्ट पे आप शॉर्ट करके इजी मनी बना सकते थे। और कहते हैं कि बियर रन जो था इसी वजह से आया था परमानेंटली, वहाँ पे हमें इतना लंबा शॉर्ट पोजिशन इसलिए देखने को मिला क्योंकि मार्केट में कंटिन्यूसली बहुत जो थे एक्सचेंजेस थे, जितने भी एक्सचेंजेस जितने भी प्लेटफॉर्म थे उन लोगों ने खुल के बाइंग की हुई थी, जितने भी क्लाइंट्स थे इंस्टीट्यूशनल वो सभी बाइंग करके इनफैक्ट शॉर्ट सेलिंग करके जो है फ्यूचर में बहुत पैसा बनाया था, और वो रीजन रहा था 2017 का सबसे बड़ा रीजन, जो अगर आप टेक्निकली भी समझते हो फंडामेंटली भी समझते हो तो ये एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रीजन है। लोग उसी को रिलेट कर रहे हैं अभी करंट स्पॉट के ETF से। तो मैं बताना चाहूंगा स्पॉट बहुत सारे ETF फ्यूचर के ETF तो अभी कंटिन्यूसली आ रहे हैं, पिछले 1-1.5 साल में बहुत सारे ETF लॉन्च हुए हैं, उसका ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा है। बट जो है हमारा स्पॉट का ETF जो है वो अब जो है उस प्रोग्रेस इतना कर चुका है कि वो लॉन्च होने जा रहा है। जो ऑस्ट्रेलिया का ETF है वो हमारा थर्सडे को लॉन्च हो रहा है, एंड कंसीडर करने वाली बात ये है कि जब हमारा बिटकॉइन का टॉप था 2017-18 में उस वक्त फ्यूचर के ETF लॉन्च हुए थे, एंड बहुत ही आसान था शॉर्ट सेलिंग करना। लेकिन यहाँ पे डू रिमेंबर हम ऑलरेडी बहुत नीचे हैं, ऑलरेडी 50% से ज्यादा का करेक्शन ऑलरेडी बिटकॉइन में है, और यहाँ पे ETF स्पॉट का लॉन्च होने वाला है जो कि और बहुत बड़ा एक ETF होगा आने वाले ईयर्स में। आपको दिखेंगे वहां पे कितने वॉल्यूम्स आने वाले हैं, बट ये ETF देर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी हाई परसेंटेज ऑफ चांस की अपोजिट बिहेव करे जैसे 2017 में बिहेव किया था। एक डिफरेंट एस्पेक्ट से अगर आप चीजों को फंडामेंटली देखते हो कि यहाँ पे ऑलरेडी सॉर्टेड हैं लोग, एंड यहाँ से लॉन्ग करने में ज्यादा फायदा होगा स्पेशली इंस्टीट्यूशनल बायर को। तो डेफिनेटली जो है ये जो है हमारा स्पॉट का ETF है, तो यहाँ पे बाकी लोग भी इसमें डायरेक्ट कहीं ना कहीं इंटरेक्ट करेंगे, तो वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होगा जो करेंट बायसनेस होती है मार्केट में। जैसे अभी सभी लोग बियरिश हैं, सभी लोगों को लगता है कि अब बिटकॉइन जीरो हो जाएगा, सभी लोगों को ऐसा हर बार लगता है, ऐसा हर बार होता है हिस्टोरिकली, ऐसा बहुत साइकिल बिटकॉइन ने देखा है, और रिसेंटली पिछले 1 साल में ही हमने ये दूसरी बार देखा है। तो डेफिनेटली जो है जो लोग लॉन्ग टर्म से बने हुए हैं, जो लोग लंबे टाइम से मार्केट में बने उनको पता है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। थिंग इज कि यस टाइम इज समथिंग जो हम स्पेंड कर सकते हैं, और करेंटली वी आर डूइंग द सेम। अब मैं बात करता हूं कि यहां पे प्राइस एक्शन पे क्या चेंजेस आ सकते हैं, बिकॉज दैट इज समथिंग जो बहुत लोग जो है वेट कर रहे होंगे, एंड डेफिनेटली वीकली चार्ट पे अगर मैं बताऊं कई लोगों का कहना है, अभी मैंने एक 27,000 का फिगर दिया आपको राइट ऑन द बेसिस ऑफ सम इंडिकेटर ओनली, इट्स नॉट माय टारगेट नाइदर मेरा कुछ है।
लोगों का कहना है कि 200 ईएमए जो वीकली चार्ट है वो हमारा रीटेस्ट होगा जो कि अराउंड 26,000 या 27,000 के आसपास है। एंड अभी एक फिगर मैंने आपको 27,000 का जस्ट दिया था डिफरेंट चार्ट से। तो देखो एज पर टीए इट इज पॉसिबल, एज पर टीए इट इज पॉसिबल। फिर मैं कहूंगा कि आपको आपका सिर्फ टीए के बेस पे जजमेंटल लेना है तो बिल्कुल आप तो डेफिनेटली आप कह सकते हो जब से 21 ईएमए हम ब्रेक किए हैं तब से हम बॉटम जोन में हैं। ऐसा हमने पहले भी किया था लेकिन अभी भी हम वही कर रहे हैं राइट। एंड दिस टाइम वी आर क्रिएटिंग लोअर लो एज वेल राइट वीकली चार्ट पे। तो इट इज इट सीम्स वेरी इजी। 200 ईएमए लाइन ऑलवेज जो है आपको अट्रैक्ट करता है और ये जो प्राइस एक्शन है 21 ईएमए का या 200 ईएमए लाइन का ये कंटिन्यूसली तभी से ट्रैक हो रहा है जब बिटकॉइन 60,000 से अबव ट्रेड कर रहा था फर्स्ट टाइम लास्ट ईयर 2021 में एंड फिर रिसेंटली नवंबर में भी। लेकिन आप देखोगे 5 अप्रैल 2021 के आसपास जब ये 200 ईएमए देखोगे तो लगभग $14,000 पे था एंड उसके बाद जब रिसेंटली नवंबर के आसपास देखोगे तो वो 24,000 के आसपास था और अभी ये उठ के 27,000 के आसपास आ चुका है। तो कितना टाइम आप स्पेंड करते हो उसी हिसाब से ऊपर आ जाता है। एंड मैं हमेशा कहता हूँ कि यार देखो अभी बिटकॉइन का प्राइस जो है जो डायरेक्ट ऐसे नहीं जाता, अभी ये वापस से हमें अपसाइड देखने को मिलेगा। क्या जा सकता है मैं डिनाई नहीं करूँ लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इट्स इट्स देखो 14,000 से बिटकॉइन वही है, 60,000 से 30,000 के बीच में रैली दिखा रहा है, 14,000 से 27,000 पे पहुंच गया है ये लेवल पिछले 1.5 साल में। एंड डेफिनेटली विद टाइम इट विल ग्रो अप टू 30,000। जब तक बिटकॉइन इसके नीचे नहीं जाता तब तक वो उसमें कमी नहीं आएगा एंड हिस्टोरिकली प्रूवन कि ये हमेशा ऊपर ही गया, बहुत ऐसा रेयर टाईम हुआ कि ये नीचे गया। तो इट्स सीम्स 200 ईएमए लाइन विल ऑल्सो अलाइन टू द 30,000 लेवल इन कमिंग वीक्स। बट क्या यहाँ तक जा सकता है एज पर टीए? दिस इज पॉसिबल, आई एम नॉट डिनाइंग इट। बट मैं जो बार बार अलग अलग थ्योरीज और अलग अलग जो फंडामेंटल्स के आपको बताता हूँ चार्ट्स, वो यही सजेस्ट कर रहे हैं कि दिस इज ऑल अबाउट द मैक्स पेन विच इज करेंटली वी आर फेसिंग। मैक्स पेन में एक कंडीशन और जरूर बनता है कि हम यहाँ पे टाइम स्पेंड कर सकते हैं और टाइम इज समथिंग जो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। याद रखना जब मई 2021 में जब डंप हुआ था मार्केट में बिटकॉइन, उस वक्त ऑल्ट कॉइन गिरे थे, बहुत तेजी से गिरे थे और अगले दिन बहुत तेजी से बढ़ भी गया था, लेकिन उसका मैक्स पेन जो था ना वो लगभग लगभग जून या जुलाई के आसपास देखने को मिला जब बिटकॉइन जो है फर्दर जो करेक्शन के बाद अपसाइड जाने के बाद जो लो बनाता था तो उसमें हायर लो बनाता था उस केस में। तो यहाँ पे भी वैसा ही रिकवरी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे भी हम वैसे जो है जैसा पेन हमने देखा पिछले 24 आवर में वैसा पेन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। बट आई थिंक प्राइस विल गोइंग टू डेफिनेटली होल्ड दिस लेवल। करेंटली वन डे के चार्ट पे डेफिनेटली जो है कोई भी सपोर्ट हमने यहाँ पे नहीं रखा। अभी रिसेंटली जो है अगर हम रिसेंटली मई की बात करूं तो वो ऑलमोस्ट 29,200 के आसपास गया हुआ है एंड इनफैक्ट उसके नीचे भी, तो वो लेवल एक इंपॉर्टेंट की लेवल रहेगा। बट मेरे से पूछोगे आई एम डन विद द करेक्शन, मेरे हिसाब से जो मेरा मैक्सिमम जो करेक्शन था जो होना था वो हो चुका है एंड द मार्केट 1 आवर के चार्ट पे। अभी क्विकली से बात कर लेते क्या हो सकता है। अभी सबसे पहले तो रिलीफ रैली आपको देखने को मिलेगा, वॉल्यूम अच्छा खासा मिला है हमें एंड 1 आवर के चार्ट पे आपको दिखेगा बहुत ही हैवी वॉल्यूम हमने देखा किस रेंज में, 30,000 से लेके 31,000 के बीच में। दैट इज वाई अभी तक ये जो है सेकंड जो कह सकते हो हाईएस्ट वॉल्यूम है आफ्टर जो रिसेंट हमारा फॉल बैक आया था जनवरी के आसपास। तो डेफिनेटली यहाँ पे अच्छा खासा बाइंग हो रहा है। इसका इम्पैक्ट ये होगा कि आने वाले आवर्स में, और डेफिनेटली यहाँ पे बुलिश डाइवर्जेंस भी हम बना रहे हैं, आने वाले आवर्स में इट्स मोस्ट प्रोबेबली कि हम 51 ईएमए रिटेस्ट करने जाएं जो कि अराउंड 32,800 के आसपास का लेवल है फिलहाल बना हुआ है। एंड उससे पहले जरूर जो है क्रिटिकल लाइन 31,500 कैसे ब्रेक करता है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। क्या फर्दर यहाँ पे नीचे नहीं जा सकता 30,000? ऐसा नहीं है, वापस से भी टाइम स्पेंड कर सकता है, डू रिमेंबर दैट। एंड थर्सडे को मैंने कहा स्पॉट का ETF लॉन्च होने वाला, उससे पहले ही जो भी होना है वो हो जाना है, उसके बाद आपको प्राइस एक्शन जो है सस्टेनेबल ग्रोथ देखने को मिलेगा जो भी डायरेक्शन रहेगा उस वक्त मार्केट का। तो अभी डेफिनेटली 4 आवर के चार्ट पे डेफिनेटली सब कुछ ओवर सोल्ड जोन में है एंड हिस्टोरिकली जब जब ओवर सोल्ड जोन में RSI पहुंचा हो या फिर कोई भी इंडिकेटर, वहां पे जब भी कोई बाय करता है उसको लॉस नहीं होता। सो दिस इज द मैक्स पेन जिसकी बात मैंने कल सुबह कही थी एंड विद इन द 24 हो गया आवर एंड दिस इज डेफिनेटली जो लोएस्ट लेवल रीच हुआ है 4 आवर के चार्ट पे पिछले, इनफैक्ट दिसंबर 2021 से अभी तक 4 आवर के चार्ट पे इतना ज्यादा पेन नहीं देखे थे। एंड कंपेरिजन करेंगे तो लगभग लगभग अगस्त 2020 के आसपास हम जरूर 17 के आसपास पहुंचे थे एंड दैट इज द मैक्सिमम। एंड डेफिनेटली उससे पहले हम मार्च 2020 में हम इस लेवल को रीच किए थे एंड सबसे हाई लोएस्ट जो अभी तक रीच हुआ है 24 नवंबर 2019, दैट इज वेयर जहां से बिटकॉइन जो है रिकवरी दिखाना शुरू किया था। तो अभी 11 के आसपास RSI है, दिस इज द लेवल जहां पे लोगों को बाइंग अगर कोई भी विदाउट टेक्निकल एनालिसिस भी करता है तो उसको शॉर्ट टर्म में तो बहुत ही अच्छा गेन हो ही जाता है, सिंपल सा फंडा है।
एंड डेफिनेटली द करेक्शन वेव विल कम, एंड मोस्ट प्रोबली जो मैंने आपको लेवल बताया 32,800 का लेवल, वो मोस्ट प्रोबली हम आने वाले आवर्स में टेस्ट करने वाले हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। देन वहाँ पे फिर फर्दर क्या सा बिहेव करता है ये जो है पॉसिबिलिटीज हम वहाँ पे देखेंगे। बट फिलहाल यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, क्या इसका ठीक अपोजिट कैंडल यहाँ पे आ सकता है? इज इट पॉसिबल? तो यस, जितना बड़ा कैंडल हमें लगभग 11.5% का डाउनवर्ड मूव दिखाया कल के दिन, हो सकता है बिल्कुल 12% का कैंडल अपसाइड भी मिल जाए। लेकिन इट डजेंट मीन कि बिटकॉइन जो है अप ट्रेंड में आ गया, ठीक है, उसमें टाइम लगेगा। बिकॉज जैसा अभी आपने रिसेंटली देखा था 40,000 के आसपास, 48,000 के आसपास प्राइस किया था, तो लोग एकदम से बुलिश हो गए थे। आई ऑलवेज टोल्ड कि यार यहाँ पे करेक्शन जरूर आएगा एंड इट विल डिसाइड कि 40,000 का लेवल, 42,000 का लेवल हम होल्ड करते हैं नहीं। अगर नहीं होल्ड कर पाते देन 36,000 इज पॉसिबल, एंड ऑब्वियसली वो अगर ब्रेक होता तो हमारा जो लॉगरिथमिक ग्राफ है उसके हिसाब से जो भी चार्ट पॉसिबल है वो पॉसिबल हो सकता है। तो अभी यू कैन एक्सपेक्ट दैट बॉन्स, एंड डेफिनेटली जो है इसका इम्पैक्ट क्या होगा, वॉलीटिलिटी आएगा मार्केट में, अचानक से आपको सब कुछ बढ़ता हुआ दिखेगा, बट इट डजेंट मीन कि मार्केट जो है उस लेवल पे ही रहेगा जैसे अभी हम 5-6 दिन पहले जिस लेवल पे थे जब हम 21 ई में रीटेस्ट कर रहे थे। डेफिनेटली ठीक है, वहाँ पे हमने फर्दर रिजेक्शन देखा, अभी हम वापस से रीटेस्ट करने जाएंगे 21 ई में। लेकिन वो लेवल हम रीटेस्ट तब करेंगे वन डे के चार्ट पे जब हम पहली बार 33,000 32,000 का लेवल क्रॉस करेंगे एंड वी विल हैव सम साइड रिजेक्शन। तो इस चीज़ पे नजर रखना है आपको। एंड बात करूंगा डोमिनेंस चार्ट की। डोमिनेंस चार्ट इज समथिंग जो डेफिनेटली जो है पिछले अगर आप देखोगे मोमेंटम तो बहुत बड़े बड़े स्पाइक आए हैं। ऑब्वियसली वॉलीटिलिटी जब आएगी तो स्पाइक्स आएंगे, बट इट इज स्टिल ट्रेडिंग ऑन द सेम जोन जहाँ पे हम पिछले 2 हफ्ते 3 हफ्ते 4 हफ्ते क्या मतलब ऑलमोस्ट 2 महीने 3 महीने से देख रहे हैं लेवल को। तो डोमिनेंस चार्ट में कोई फर्क नहीं है, ओनली थिंग इज स्पाइक्स जो कि आपको प्रॉब्लम देता है, स्पेशली बिटकॉइन 40,000 के बिलो हो तो बहुत ज्यादा पेन देती है, वही हो रहा है। एंड डेफिनेटली जो है DXY की बात करूंगा, DXY इज डूइंग साइडवेज एक्शन, बट इसका पेन पूरे मार्केट पे आपको दिख रहा है। गोल्ड भी कल के दिन हमें गिरता हुआ देखा एंड रियली बैड कैंडल इज कमिंग आउट देयर, बट अभी देखना इंटरेस्टिंग है कि कैसे क्लोजर मिलता है। आज के कैंडल अभी फिलहाल रिकवरी दिखा रहा है गोल्ड भी, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग द सेम विद S&P। S&P ने भी कल अच्छा खासा डिप दिखा, कल के दिन सारे मार्केट ने डिप दिखाया। तो अल्टीमेटली यहाँ पे अब आप एक बॉन्स एक्सपेक्ट कर सकते हो, दैट बॉन्स विल गो अप टू $4,100 के अराउंड में एंड $3,991 के आसपास हम पहुंच चुके हैं। जब इस जगह पे था मार्केट साइडवेज एक्शन था तब भी मैं लेवल के लिए फेवरेबल था, एंड सेम विद द गोल्ड एज वेल कि गोल्ड में मैं तब से कह रहा हूँ कि ये लेवल रीच होगा, अभी भी हम साइडवेज एक्शन होल्ड कर रहे हैं। लेट्स सी कैसे क्या पॉसिबिलिटीज बनती है, अभी आप डिनाई नहीं कर सकते इस लेवल को। एंड DXY समथिंग जो आपको पेन दे रहा है हर जगह के मार्केट पे, हर टाइप के मार्केट को, एंड ऑब्वियसली बियरिश डाइवर्जेंस इस पे बन रहा है, लेकिन वन डे के चार्ट पे बन रहा है, कंफर्म होने में टाइम लगेगा। 21 EM इज द फर्स्ट टारगेट जो ब्रेक होगा, उसके बाद हमें तेजी से डिक्लिनेशन देखने को मिलेगा, बट फिलहाल के लिए अभी ये अच्छा खासा होल्ड कर रहा पोजीशन। एंड जब तक ये होल्ड कर रहा है इस लाइन के ऊपर, व्हाइट लाइन के ऊपर $102 के ऊपर, तब तक आपको रिलीफ ज्यादा नहीं मिलेगा मार्केट में। बट या अगर यहाँ पे बहुत तेज डाउनफॉल आता है एंड देन अगले दिन रिटेस्ट होगा उसके बाद फर्दर डाउनफॉल आता है, देन दैट इज कह सकते हो कि कंफर्मेशन है, बट अभी वो अर्ली फेज है। जैसा इथेरियम का आपका डोमिनेंस चार्ट बिहेव कर रहा है वैसे इथेरियम का BTC चार्ट भी बिहेव कर रहा है। इथेरियम का BTC चार्ट की बात करूं, कल के दिन बहुत ही बॉटम बना गया, 0.072 तक चला गया। स्ट्रीम लेवल हमेशा ही ऐसा होता है, अच्छे प्रोजेक्ट्स वापस से रिकवरी करते हैं। इथेरियम इज ऑब्वियसली क्लोज दैट कैंडल एज ए ग्रीन, जो कि एक रिकवरी का साइन है एज पर BTC चार्ट, बट अभी बाकी चीजें क्या कहते हैं, बिटकॉइन इज नॉट इन द गुड शेप, तो अभी भी खतरा टला नहीं है, बट स्टिल इथेरियम इज ऑन ट्रेडिंग ऑन द सेम पार्ट 0.075 के अराउंड में, एंड दिस इज द रीजन इथेरियम इज डूइंग बेटर देन बिटकॉइन राइट नाउ। एंड डेफिनेटली जो है कल के दिन यहाँ पे भी हमें 11.5% का डाउनफॉल देखा, लेकिन अभी लगभग 4% से ऊपर का अपसाइड हमने देख लिया मोमेंटम। ऑब्वियसली इस जगह पे जरूर जो है रेजिस्टेंस अब मिलेगा एंड इट विल प्ले आउट, बट सारे जो है मूव्स वो सब कुछ डिपेंड करेगा बिटकॉइन पे। तो क्लोजली आप फॉलो करो बिटकॉइन के चार्ट को, एंड जो मैंने स्ट्रैटेजी दे रखा आपको, जो इंडिकेटर्स दे रखा उसको अप्लाई करो। आप उसको भले ट्रेड मत करो, उसको अप्लाई करो एंट्री के लिए, अगर एंट्री लेना चाहते हो आप अप्लाई करो। आप उसे शॉर्टर टाइम फ्रेम पे देख सकते हो तो आपको अच्छे खासे ट्रेड्स भी मिल सकते हैं, अगर आप उसके ऊपर बैक टेस्ट कर चुके हो, अपना एक्यूरेसी लेवल आप निकाल चुके तो जरूर देख सकते हो। एंड डेफिनेटली पिछले 24-48 आवर्स में उसने बहुत सारे ट्रेड्स दिए हैं, लेकिन शॉर्ट में दिए, कई लोगों को शॉर्ट करना नहीं आता, दैट्स वाई देर इज अ पॉसिबिलिटी कि उनको पेन हो रहा हो, बट वंस यू लर्न दैट थिंग आपको वो बहुत हेल्प करता है, एंड डेफिनेटली बहुत लोगों ने इसका एडवांटेज भी लिया कल के दिन। तो गाइज आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। इंपॉर्टेंट लेवल हम रिबाउंस जरूर करेंगे, लेकिन इट डजेंट मीन कि अभी इमीडिएटली मार्केट जो है रिकवरी दिखा दे। रिकवरी का मतलब है कि वापस से हम 36,000 के ऊपर ट्रेड करने लगे। इट माइट टेक फ्यू वीक्स टू स्टे कम बैक अबव टू द 36,000 लेवल, तब तक जो है ये पेन वाला पीरियड चलता रहेगा, बट
डू रिमेम्बर थर्सडे को ETF स्पॉट का लॉन्च हो रहा है, तो थर्सडे को मार्केट कैसे बिहेव करता है इंटरेस्टिंग रहेगा। फिलहाल के लिए मेरी भी नजर रहेगी, कोई भी क्विक अपडेट होगा तो मैं जरूर टेलीग्राम एंड ट्विटर पे देता हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ जल्द अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।